इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भीतरघात करने वाले बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी। गौरीशंकर और मुदित शेजवार पार्टी से बाहर हो सकते हैं। दोनों पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगा है। उमा भारती की समझाइश का भी शेजवार पर असर नहीं पड़ा। गजराज सिंह सिकरवार की पार्टी से बाहर करने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है। तो सिंधिया समर्थक प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले अब नपेंगे। सिंधिया और उनके समर्थकों की शिकायत के बाद कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा उपचुनाव में भी भीतरघात की खबरें आई थी। अब भीतरघात करने वाले बीजेपी नेताओं की मुश्किलें यहां बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि गौरीशंकर और मुदित शेजवार पार्टी से बाहर हो सकते हैं। दोनों पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगा है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव में भीतरघात की खबरें आती रही, लगातार ये जानकारियां आती रही, खबरें भी मिलती रही, और अब बीजेपी एक बड़े कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। जाहिर है 28 सीटों के उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिराज सिंधिया, इन तीनों की ही साख दांव पर लगी थी। और ऐसे में जब तीनों ही एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे, 28 सीटें जीतने के लिए काम कर रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी के जो नेता हैं, जिन्होंने भीतरघात किया है, जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, बड़ा डेंट पार्टी को लगाया है, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नजर आ रही है। हाल में ही गौरीशंकर शेजवार, जो बीजेपी के जो पुराने और दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो और उनके बेटे मुदित शेजवार, दोनों को ही कारण बताओ नोटिस जारी किया। और ये पार्टी ने माना है कि इन दोनों ही नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, पार्टी लाइन से अलग जाकर काम किया है, और जो बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी चुनावी मैदान में था उसके खिलाफ काम किया, उसको हराने के लिए काम किया। यही हाल मुरैना से गजराज सिंह सिकरवार का रहा। गजराज सिंह सिकरवार को भी पार्टी ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है हफ्ते भर के भीतर कि आप ये जवाब दीजिए कि आपने पार्टी के खिलाफ क्यों काम किया, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ क्यों काम किया। दरअसल इन ज़्यादातर जो शिकायतें बीजेपी आलाकमान को मिली हैं, वो शिकायतें सिंधिया समर्थक जो प्रत्याशी मैदान में थे उनकी तरफ से मिली हैं। इन लोगों ने शिकायतें की हैं कि पार्टी के जो बीजेपी के जो नेता हैं इस क्षेत्र में, वो उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना कमिटमेंट उन लोगों ने आलाकमान के सामने किया था। इवन हालात ये थे कि गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार के तेवर देखने के बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मौके पर भेजना पड़ा। उमा भारती को इनको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उमा भारती भी सांची गई थी और मुदित शेजवार और गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात की थी और बातचीत करके उनको समझाइश भी दी थी कि फिलहाल वक्त एकजुट होने का है और पार्टी के साथ काम करने का है, पार्टी के लिए काम करने का है, और प्रभुराम चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सांची से, उनको जिताने का है। बावजूद इसके शेजवार परिवार ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात को अनसुना किया और पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। तो फिलहाल नोटिस दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है जो अंदर की खबरें हैं कि अगर नोटिस से संतुष्ट नहीं होती है पार्टी और 10 नवंबर को जो नतीजे आते हैं और प्रभुराम चौधरी अगर वहाँ से हारते हैं तो पार्टी गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार को बाहर कर सकती है, निष्कासित पार्टी से कर सकती है। पार्टी फिलहाल सख्त एक्शन लेने के मूड में है, न सिर्फ शेजवार परिवार बल्कि जो 28 सीटों पर सिंधिया समर्थकों का विरोध जिन लोगों ने किया है, पार्टी ने चूंकि उन्हीं को अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उतारा था और जिन लोगों ने भी भीतरघात किया है, पार्टी को डेंट लगाने की कोशिश की है, उन सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। गजराज सिंह सिकरवार का नाम भी सामने आ रहा है, क्या उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? नवीन, देखिए, गजराज सिंह सिकरवार को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है, हफ्ता भर के भीतर उनको जवाब देना है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्यों काम किया है, उन्होंने मुरैना में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ क्यों काम किया है। दरअसल गजराज सिंह सिकरवार के परिवार के ही एक शख्स हैं सतीश सिंह सिकरवार, जो ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे, और इनके भाई सतीश सिंह सिकरवार के भाई सतपाल सिंह सिकरवार पार्टी के खिलाफ ही जाकर काम कर रहे थे। बीजेपी ने जहां उनकी ड्यूटी लगाई थी वहां नहीं पहुंचे और अपने भाई के समर्थन में काम कर रहे थे पार्टी लाइन के अलग जाकर। तो इसी की शिकायत पर सबसे पहले बीजेपी ने सतपाल सिंह सिकरवार को पार्टी से निष्कासित किया, फिर उसके बाद गजराज सिंह सिकरवार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ये माना जा रहा है कि जवाब अगर संतुष्ट करने लायक नहीं आया तो गजराज सिंह सिकरवार को पार्टी आलाकमान बीजेपी से बाहर कर सकता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद अब
जो कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है, जिस तरीके से भीतर घातियों पर कार्रवाई का मूड बीजेपी ने बनाया, इसका असर आने वाले समय में पार्टी पर किस तरह का पड़ता है, यह भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।